कोरोना महामारी का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे कांप उठते थे, लेकिन ऐसा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के साथ नहीं है। हाल ही में हुई रिसर्च में यह पता चला है कि जिन लोगों को ओमिक्रॉन अपनी चपेट में ले रहा है, उनको यह नेचुरल वैक्सीन के रूप में वरदान साबित हो रहा है। यह लोगों में कोरोना से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहा है और यह आगे आने वाले नए वेरिएंट के खतरे से भी बचाव करेगा। इस विषय पर सुरागीलाल टीम ने उत्तराखंड के जाने माने कुछ विशेषज्ञ चिकित्सकों से बातचीत की। नमस्कार, मैं ऋषि भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल से। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ओमिक्रॉन के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ओमिक्रॉन अपने आप में एक वैक्सीन का काम कर रहा है। इसीलिए आज हम जानेंगे डॉक्टर से कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर एस पी गुप्ता से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका क्या कहना है कि जैसे जनता में ये बात चल रही है कि ओमिक्रॉन जो है अपने आप में एक वैक्सीन की तरह काम करने लगेगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन जो शरीर में इम्यूनिटी पैदा करती है, और जो ओमिक्रॉन वायरस इन्फेक्शन है ये बहुत तेजी से फैल रहा है। यह सही है कि सभी में सीरियस नहीं हो रहा है, इसके लक्षण हल्के हो रहे हैं और बहुत से मरीजों को केवल गले में दर्द या एक दिन बुखार आया या थोड़ी खांसी हुई, उसका वो अगले दिन ठीक हो जा रहे हैं। इसका मतलब जो है सारे लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, और इन्फेक्शन जो है बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करता बाद में, तो वो यही जो बात सही है कि वैक्सीन का काम कर रहा है, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि किसमें सीरियस हो जाएगा ये नहीं कह सकती। जो मरीज ऑलरेडी जिनको की बीमारी है, ब्लड प्रेशर, शुगर या दूसरी बीमारी है जिससे उनकी इम्यूनिटी कम है, उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। उन्हें अभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है, नहीं तो उनमें खतरनाक हो सकता है। हाँ, ऐसा ही है कि जिनको हल्का इन्फेक्शन हो जाएगा उनके शरीर के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। देखिए, अभी किसी भी कंक्लूजन पर हम नहीं पहुंच सकते कि ये अफवाह है या ये सच्चाई है, अभी नहीं बोला जा सकता। अभी ये रिसर्च में है। कोई भी डिजीज़ अगर किसी इंसान को होती है, किसी एनिमल को होती है, तो उसके लिए बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो दो तरह के एंटीबॉडीज होते हैं। एक एंटीबॉडी वो होती है तो टेम्प्रेरी होते हैं, उस समय के लिए बनते हैं। कुछ एंटीबॉडी ऐसे होते हैं लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, कुछ आजीवन बने रहते हैं। तो इसमें ये इन्फ्लुएंजा टाइप का वायरस है जिसके अगेंस्ट जो भी एंटीबॉडी बन रहे हैं वो टेम्प्रेरी बन रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंजा की खासियत है कॉमन कोल्ड वायरस जैसे होता है उसमें टेम्प्रेरी एंटीबॉडी बनते हैं, जिसमें कि परमानेंट इम्यूनिटी नहीं मिलती रही अभी तक। अब ओमिक्रॉन में जो कई लोग क्लेम कर रहे हैं कि परमानेंट इसमें एंटीबॉडी बन रहा है, तो परमानेंट की तो अभी डेफिनेशन इसलिए नहीं मिल सकती, इतना समय ही नहीं हुआ इसको आए हुए, तो कितने समय के बाद मतलब ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी में खत्म हो जाएगी, क्या होगा, इसके ऊपर रिसर्च अभी नहीं हुई है। और जहाँ जहाँ चल रही है वो अभी प्राइमरी स्टेज में है, तो अब ये क्लेम नहीं कर सकते कि एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा या इम्यूनिटी बन गई। प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, डिस्टेंसिंग, मास्किंग, ये सब हमें प्रिकॉशंस देने पड़ेंगे, नहीं लेंगे तो हमें बार बार भी हो सकता है। जी हाँ, ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके सिम्टम इतने सीवियर नहीं है और इन्फेक्शन भी काफ़ी रेपिडली स्प्रेड हो रहा है। इससे बेनिफिट ये होगा कि कुछ कम टाइम में काफ़ी सारे लोगों को इन्फेक्शन लगेगा, और इन्फेक्शन लगाया तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ नेचुरल इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप होनी है। तो आगे वाले वेरियंट आए ना आए, शायद आए, तो उसमें जो भी मतलब में इम्यूनिटी थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन तो देगी ही देगी। देखिए, कोई भी वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वो अपनी एक नेचुरल इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप करता है। ओमिक्रॉन नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 का एक नया स्वरूप है जिसमें एक जीन डिलीट हो गया है, और जैसा कि पहले भी कोविड-19 के पेशेंट्स में एक एंटीबॉडी टाइटर डेवलप होता था, वैसे ही ओमिक्रॉन के भी बाद होता है। लेकिन ये नेचुरल इम्यूनिटी है, इसे वैक्सीनेशन कहना मुनासिब नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि एक बार ओमिक्रॉन होने के बाद में जैसे पहले वायरस के अगेंस्ट कुछ प्रतिरोधक क्षमता मिल जाती थी, वैसे प्रतिरोधक क्षमता तो मरीजों को मिलती है, लेकिन ओमिक्रॉन के बाद भी दोबारा कोविड वायरस हो सकता है, कोविड वायरस इन्फेक्शन हो सकता है। बीच में एक डेल्टा वेरिएंट आया था इस साल मई जून में, जो कि ज़्यादा जिसकी विरुलेंस ज़्यादा थी, इसका मतलब उसका इन्फेक्शन जो है मरीजों को ज़्यादा परेशान कर रहा था। ओमिक्रॉन वायरस में हमारे देखने में आया मरीज कम परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट भी साथ में सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है। इसके साथ ही नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 वायरस जो इनिशियल फर्स्ट वायरस था वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो अपना आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर कराएं। दूसरी बात, एक मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपना
कोविड गाइडलाइंस का हमेशा पालन करें। तो सर ये आरटीपीसीआर जो है कितने दिन में नेगेटिव हो जा रहा है? आरटीपीसीआर टेस्ट पहली बार जब आप सिम्टम्स आने के दूसरे तीसरे दिन कराते हैं उसके बाद में 10 से 12 दिन में ही नेगेटिव हो रहा है। कुछ मरीज ये सोच रहे हैं कि हमारे सिम्टम 2-3 दिन में खत्म हो जा रहे हैं, फीवर कफ या रनिंग नोज कोल्ड कफ खत्म हो जा रहा है तो हम वापस अपने काम पे जा सकते हैं या अपने परिवार वालों से घुल मिल सकते हैं या सोसाइटी में जा सकते हैं, वो ठीक नहीं है। कम से कम 10 दिन का समय देना चाहिए जिसके बाद में आरटीपीसीआर टेस्ट रिपीट कराना चाहिए और अगर आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है तभी आपको वापस अपने काम पर या सोसाइटी में और लोगों से मिलना जुलना चाहिए। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।